कोई डाउट किसी नूं इस डेफिनेशन दे विचों हुण तक? इट इज वेरी मच क्लियर कि एल्गोरिदम की चीज है, इट इज अ वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ अनएम्बिगस एंड इफेक्टिवली कंप्यूटेबल ऑपरेशंस दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट एंड हॉल्ड्स इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. देन वंस एल्गोरिदम हैज बीन डिसाइडेड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम किस लैंग्वेज विच लिखा जाना चाहिए है. सो देर आर three different options. Either you can write the algorithm in natural language like English or Punjabi or Hindi, whatever we human beings are speaking or writing, that language is called natural language. So ode ch bahut sariyan bhashawan, har desh di apni bhasha hai, but that is very much ambiguous. Jivein apan kal vi gal kiti ki natural language de vich ambiguity bahut zyada hai. Oh kis tarah hai ki apan किसी भी वर्ड का या किसी भी सेंटेंस के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकदियां ने. एम्बिगस का मतलब की है कि जो इंटरप्रिटेशन मोर दैन वन होन. फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां कल भी गल कीती सी कि बैंक जिहड़ा लफ्ज है उस दियां दो या दो तो वध इंटरप्रिटेशन आपां कढ सकदे हां. सो जदों सो गल कर रहे सीगे लैंग्वेजिज जिहड़ियां कि पॉसिबल है जिन्हां विच आपां एल्गोरिदम लिख सकदे हां. वी कैन राइट द एल्गोरिदम इन नैचुरल लैंग्वेज like English, but it is too much ambiguous. We can write the algorithm in a programming language like Perl or C or C++, but ode vich vi issue hai ke too much of new syntax to learn, because har language da syntax jehda oh different hunda. Je tusi C language algorithm likhoge ta oda syntax alag samjhna payega, Java vich likhoge ta oda alag samjhna payega, aur jehda padhan wala hai usnu vi bahut sare syntax sikhne padenge. So programming language de vich vi apan generally apna algorithm nahi likhde. Then अपने को आ जाता है सूडो कोड. What are sudo code? It is just a compromise. So it is in between programming language and human language. So इन्हें दोनों दे विच कारला रास्ता है जिन्हों पर कह देने हैं. So इधर विच की है कि अपने को सूडो कोड दे विच अपन कुछ लाइना इंग्लिश दे लिखांगे जिन्हें अपन को लगता है कि जिन्हें देश कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, और जिथे अपन को लगता है थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी आ सकती है उस जगह से अपन प्रोग्राम दे कोड जिहड़े आ ओह फिट कर देने हैं. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सूडो कोड. जिवें तुसीं इत्थे देखोगे आपां लिखिया भी फंक्शन, फिर इत्थे आह प्रोग्रामिंग दा कंसैप्ट है, प्रोग्रामिंग दी लाइन है. दैन उस तो बाद दिस वन इज सिंपल इंग्लिश लाइन. ठीक, सो इसे तरह आ भी इंग्लिश दी लाइन है, इत्थे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट नहीं है. तो यह थोड़ा मिक्सचर जो आप बना के लिख दें, तो इस मिक्सचर नूं आपां सूडो कोड कहने हैं. इस दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जिवें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं उसी तरह ही इहदा स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हैं. इंडेंटेशन विल बी देयर, जिवें यह है इंडेंटेशन समझते होंगे सारे, है ना. तो नैक्सट लाइन जी थोड़ा जहा स्पेस दे के अगे करके लिखनी है. तो देर इज इंडेंटेशन जिदे नाल आपां नूं पता लगदा है कि केड़ियां लाइनां किस इफ दे अंदर है और केड़ियां लाइनां केड़ी फोर लूप दे अंदर है. सो इस तरह करके कंपलैक्स ऑपरेशन कैन बी रिटन इन नैचुरल लैंग्वेज. बहुत सारे कंपलैक्स ऑपरेशन जिहड़े हुंदे आपां नैचुरल लैंग्वेज लिख दिंदे आ, ते बहुत सारे जिहड़े है कंस्ट्रक्ट जिहड़े आपां दैट मीन मिक्स कर दिंदे आ. ठीक है, स्टिल वी नीड टू एग्री ऑन सम स्टैंडर्ड ऑपरेशन. ये नहीं है कि हर वारी आपां अपने हिसाब नाल ही लिखी जावांगे, फिर भी उहदा कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन हुंदे ने, उहनां ते आपां नूं एग्रीमेंट क्रिएट करना पैंदा. अपना एग्रीमेंट होएगा जिहड़ा एल्गोरिदम क्रिएट कर रहा है और जिहड़े एल्गोरिदम नूं पढ़ रहे हैं. ठीक, सो दोनों वास्ते ही ये चीजा समझनिया हो गई कि केड़ी चीज़ नूं आपां फॉर्मलाइज करना है और केड़ी चीज़ नूं आपां नैचुरल लैंग्वेज दे विच लिखना है. तो इस तरह करके सूडो कोड जिहड़ा है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर राइटिंग एनी एल्गोरिदम. यू कैन राइट इन नैचुरल लैंग्वेज आल्सो, बट हमेशा ट्राई करनी है कि तुसीं सूडो कोड दे विच ही एल्गोरिदम लिखना है. जदों तुसीं एग्जाम दे विच भी पेपर आ जांदा है कि राइट द एल्गोरिदम फॉर सॉर्टिंग और राइट द एल्गोरिदम फॉर यू कैन से सर्चिंग जां किसी भी तरह दे कोई एल्गोरिदम आंदे है, ता डाटा स्ट्रक्चर दे पेपर दे विच खास करके एक तुहाडे कोल होर पेपर आएगा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. सो उन्हां दो पेपर दे विच खास करके तुसीं जदों एल्गोरिदम लिखना है तां सूडो कोड दे विच ही लिखना है. तो जे बैटर तां इही है कि सूडो कोड च लिखो. जे सूडो कोड दे विच नहीं तुहानूं सामने लगदी हैगी तां सिंपल इंग्लिश दे विच भी तुसीं लिखना. और नैक्सट टॉपिक इज अबाउट द कंपलैक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, जिहड़ी कि मे बी तुसीं पढ़ी होएगी, कदे नाम इहदा सुणिया होएगा, जिहदे च बिग ओ नोटेशन जिहड़ी कि इंपोर्टेंट है सब तों. इहदे बारे तुसीं पढ़िया होएगा. जो भी तुसीं कोई एल्गोरिदम डिवेलप करोगे भावें कंपनी दे विच जां कोई रिसर्च करदे हो, उदों तां सब तों फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही हुंदा है कि तुहाडे एल्गोरिदम दी कंपलैक्सिटी किन्नी है. सो कंपलैक्सिटी
दो तरह की है, एक है टाइम एंड स्पेस। फर्स्ट कंपलेक्सिटी है टाइम कंपलेक्सिटी, सेकंड कंपलेक्सिटी अपनी स्पेस कंपलेक्सिटी। इसका मतलब क्या है कि टू एनालाइज एन एल्गोरिथम मींस डेवलपिंग अ फार्मूला। कंपलेक्सिटी का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू डेवलप अ फार्मूला फॉर प्रेडिक्टिंग। फार्मूला का वास्ते है, वी वांट टू प्रेडिक्ट हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ इनपुट, दैट इज कॉल्ड टाइम कंपलेक्सिटी। ठीक, तो अपना जो ये फार्मूला फाइंड आउट करना है, एक यह जहाँ फार्मूला बनाना है जिदे विच अपना ये पता कर सकीए कि इनपुट के साइज के हिसाब नाल एलगोरिदम की स्पीड के उपर की फर्क पैंदा है, उन्हों किन्ना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने वास्ते। जे अपना यह जहाँ कोई फार्मूला बना लीए जरा यह फाइंड आउट करे की चीज किस चीज उत्ते बेस्ड है, साइज ऑफ इनपुट, के ज्यों ज्यों अपना इनपुट का साइज इनक्रीज करांगे जां डिक्रीज करांगे ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪੇਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ। ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੇਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਪੇਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਹਾਊ ਮੱਚ ਮੈਮਰੀ ਐਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਿਕੁਆਇਰਸ। ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ based on the size of the input। ke jyon jyon apan input da size change karange usse tarah memory de vich memory de requirement de vich ki farak payega। to je apan is cheez nu calculate karan layi koi formula bana liye ta us formula nu apan kehne ha space complexity, te je apan time nu calculate karan layi formula bana liye ta us nu apan kehne ha time complexity। theek, so usually time is our biggest concern क्योंकि मोस्ट एल्गोरिदम रिक्वायर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस। एक बार जो एल्गोरिदम बन जाता है जनरली जी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है वो फिक्स हो जाती है। उस तो बाद उस एल्गोरिदम जिन्नी बार मर्जी चलाओ उन्नी ज्यादा स्पेस नहीं लैनी हैगी, उन्नी इक्की का फर्क पै जाता है, बट ज्यादा फर्क नहीं पैंदा। तो अपना जो मेजर कंसर्न होंगे वो टाइम के उपर होंगे कि आप टाइम कंपलैक्सिटी फाइंड आउट करने के उत्ते अपना फोकस करना है कि आप ज्यों ज्यों इनपुट का साइज इनक्रीज करा या डिक्रीज करा स्पेस दे उपर की इफेक्ट पैंदा है, की वधदी है जां घटदी है, दोनों तरह के लिए अपन कैलकुलेट करने वास्ते जे अपन कोई फार्मूला बना लिए तां उस चीज नूं अपन कहने आ टाइम कंपलैक्सिटी जां स्पेस कंपलैक्सिटी। तो हुण सेकंड थिंग इज कि इह चाहीदे आ क्यों ने, वाई नीडेड टाइम कंपलैक्सिटी और स्पेस कंपलैक्सिटी। बहुत सारे एलगोरिदम हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन लई। ठीक है, एक सवाल जो हुंदा जां एक जिहड़ा प्रॉब्लम होंगी है उसनों सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके है। हर कोई परसन आपो अपने तरीके के हिसाब से सोचता, जिवें आप सॉर्टिंग की गल करिए घट्टो घट 150 तरह दी सॉर्टिंग एलगोरिदम है, सॉर्टिंग तरीके है। जे आप सर्चिंग की गल करते हैं तो 4-5 तरह के सर्चिंग तरीके है, लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है ना। सो इस तरह करके मतलब दैट मीनस कि कोई भी प्रॉब्लम होंगी है तो उन्होंने सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होंगे। हम जो बहुत सारे तरीके अपने सामने आ गए तो आप किवें डिसाइड करांगे कि आपने किहड़े तरीके चूज करना है। ठीक है, सो इज द एलगोरिदम फास्ट इनफ फॉर माई नीड्स। पहली गल तो यह है कि जिन्ना क मेरे को डाटा है, जिस डाटा के उत्ते मैं एलगोरिदम चलाना है उसके वास्ते एलगोरिदम सफिशियंटली फास्ट है कि नहीं है। यह ना हो कि आप एलगोरिदम सिलेक्ट कर लिए तो वो आउटपुट आते आते ही घंटा लग जाए, फिर आप बैठे देखते रहिए, है ना। सो इज द एलगोरिदम फास्ट इनफ फॉर माई नीड किवें पता लगेगा, अगेन इफ साडे कोई फार्मूला होएगा तो ही आप फाइंड आउट कर सकेंगे कि वह फास्ट है कि नहीं है। सो वो फार्मूला बनाना है तो अपन टाइम कंपलैक्सिटी स्टडी करनी ही पेगी। How much longer will the algorithm take if I increase the amount of data it must process? ठीक है, हो सकता है मेरे को आज 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज ही एल्गोरिथम वन जड़ा है स्कोर और 1 सेकंड लेंदा है, तो आज दे डेट वास्ते वो मेरे को लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है वो एल्गोरिथम वन। ठीक है, बट कल नू मेरे को जब 10 लाख वैल्यूज आ गई फिर वही एल्गोरिथम कितना टाइम लाएगा। जे एल्गोरिथम 10 वैल्यू से 1 सेकंड लाता है तो 10 लाख वैल्यू से 10 लाख सेकंड लगा लग गया, जे 10 लाख सेकंड लगाएगा दैन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो आप ऐसे एल्गोरिथम सिलेक्ट करने हैं जेडे के फास्ट होन मेरिया अज दिया लोड़ां वास्ते भी, और इन फ्यूचर जो मैं मेरा डाटा चेंज होएगा, जो मेरे को होर ज्यादा डाटा आ जाएगा फिर भी वह
डाटा नू प्रोसेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चीज भी मैं देखनी है। और ये चीज कितों पता लगेगी, अगेन इफ आई हैव अ फार्मूला ओनली देन आई कैन फाइंड आउट के ये चीज पॉसिबल होएगी कि नहीं होएगी। देन थर्ड जड़ी है, गिवन अ सेट ऑफ एल्गोरिदम, मेरे को बहुत सारे एल्गोरिदम पे है इस सेम टास्क इको काम नू करने वास्ते, देन विच इज द राइट वन टू चूज, तो मैं उन्हें चो कि सिलेक्ट करा, अगेन कंपैरिजन, दैट इज बेसिकली कंपैरिजन। सो मैनू कंपैरिजन करन लई कोई ना कोई तरीका चाहिदा है, कोई ना कोई वैल्यूज चाहिदियां ने, ते ओ वैल्यूज कित्थों आणगियां मेरे कोल, ओ वैल्यूज आणगियां फार्मूले तों। सो फार्मूले दे बेस ते मैं फाइंड आउट करांगा कि जिहड़ा एलगोरिदम 1 है ओनू किन्ना टाइम लगता है, एलगोरिदम 2 नू किन्ना टाइम लगता है, एलगोरिदम 3 नू किन्ना टाइम लगता है, और उन्हां सारयां दे कंपैरिजन करन तों बाद मैं किहड़ा एलगोरिदम सिलेक्ट करांगा विच विल टेक मिनिमम टाइम, ਕਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਸਪੇਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਗਾਟ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. So, yes, sir. What is the meaning of size of the input? मैं आपको पहला भी गल कर रहे हैं, मैं बार बार वही गल कर रहे हैं कि ज्यों ज्यों अपना साइज इंक्रीज करांगे ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਸਰਚਿੰਗ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਨ ਐਰੇ, ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਪੁੱਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਰੇ 50 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 50। ਸੋ ਇਫ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਰਚਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਪੁੱਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਰੇ। ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਮਰਜਿੰਗ ਟੂ ਐਰੇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਦੋ ਐਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ? Size of input will be sum of all the elements, that is 10 plus 20, that is equal to 30. So in this case, mere kol 30 values hai jinna de utte main algorithm nu execute karna hai. Okay, so that again depend upon the kind of operation. Pehle vich apan searching kar rahe si, dusre vich apan merging kar rahe si, to searching vele apne kol ikko array involved si, merging vele apne kol do arrays involved si, to ithe ikko array da data check karange, ithe apan dono array de data nu plus karke fir apna final data create hoega. So if we are computing nth Fibonacci number or the nth factorial number, the size is n. ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो फैबोनैकी नंबर की है सीरीज के 0 1 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज जे मेरी एन तक जानी है, दैट मीन मैनू 0 तो लैके एन तक सारे नंबरों चेक करना पड़ेगा। ठीक, सो दैट मीन इतने जो मेरा साइज ऑफ इनपुट है वह एन है, किन्ने नंबर मैनू इनपुट देने पैणगे। ठीक, सो जो मैं फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, अगेन आई हैव टू गो थ्रू ऑल द वैल्यू 0 1 2 3 4 5 अप टू n। सो जे मैं एह जी अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सी, तो इस केस दे विच कोई एरे नहीं सी, बट फिर भी मेरा साइज ऑफ इनपुट किन्ना है, जिन्ने जिन्ने नंबर दी मैं वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो वी चूज द साइज टू बी अ पैरामीटर दैट मोस्ट इन्फ्लुएंस द एक्चुअल टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड। सो पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है साइज वाला जिहड़ा कि सब तो ज्यादा इफेक्ट करेगा टाइम नू भी और स्पेस नू भी। सो इट इज ऑब्वियस दैट व्हाट इज दिस पैरामीटर इज, कई बारी तो की है कि इट इज क्लियर। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਰੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, so in computing time complexity, one good approach is to count the characteristics operation. hum apan time complexity di kahani samajh lagi, space complexity di kahani samajh lagi, what is the size of input ode bare pata lag gaya. next task jo apna hai ke onu hun calculate kive karna hai, formula banona kive hai. so jadon formula banana hai ta apan sab to pehla labne hai characteristics operation,
मेरे एल्गोरिदम दे विच करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन केड़े ने। सो देर आर सम करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन विच इज डिपेंडिंग अपॉन जिहड़े करैक्टरिस्टिक ऑपरेशन है दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। सो किसी एल्गोरिदम दे विच करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन कोई होर होणगे, किसी दूसरे एल्गोरिदम दे विच करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन कोई होर होणगे। ठीक। सो इफ सर्चिंग इट माइट बी द कंपेयरिंग ऑफ टू वैल्यू, जो आप सर्च करते हैं तो मेन फोकस किसी होंगे कि वैल्यू वन नू आपां की वैल्यू दे नाल कंपेयर करना, कि मैं जो फाइंड आउट करना है जिहड़ी वैल्यू मैं फाइंड आउट करनी है वो मैं वैल्यू वन दे नाल, वैल्यू टू दे नाल, वैल्यू थ्री दे नाल, पहला इहदे नाल कंपेयर करांगा, फिर इहदे नाल कंपेयर करांगा, फिर इहदे नाल कंपेयर करांगा, फिर जब तक लास्ट वैल्यू नहीं आ जाती तद तक मैं उहनूं कंपैरिजन करता रहूंगा। सो इस केस दे विच जिहड़ा मेन फोकस है वह अपना कंपैरिजन का है। ठीक। जो आप सॉर्टिंग करते हैं, जो सॉर्टिंग करते हैं फिर मेरे को करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन हो सकते हैं कंपेयरिंग द टू वैल्यूज। सॉर्टिंग करने वेले आपां नूं की है दो वैल्यूज नूं कंपेयर करना पएगा, इन्हां दोनों जो जिहड़ा छोटा है उन्होंने अगे लैके आवांगे, वड्डा इन्हों पिछे लैके जावांगे। ठीक है। दैन सैकेंड ऑपरेशन हो गया स्वैपिंग का, स्वैपिंग द कंटेंट ऑफ टू एरे लोकेशन, कि जे वी वन वी टू तो वड्डा है तो आप वी वन नूं बैक साइड लैके जावे, वी टू नूं फ्रंट साइड से लैके आवे। ठीक है। तो जां ए वाला करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन हो सकता है, जां ए हो सकता है, जां दोनों मिला के अपना करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन बनते हैं। सो करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन का मतलब की है कि वह ऑपरेशन जिस दे उत्ते सारा एलगोरिदम बेस्ड है, जिहड़ा कि इंपोर्टेंट उस एलगोरिदम दे विच। ठीक। सो आपां अपने एलगोरिदम दे विच बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन हो सकते हैं, अपना फोकस यह होएगा कि आपां करैक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन नूं फाइंड आउट करना है ताकि आपां यह देख सकीए कि उस ऑपरेशन नूं करन वास्ते कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जे आपां ओह वाला ऑपरेशन फाइंड आउट कर लिया तां आपां अपना एलगोरिदम क्रिएट कर सकते हैं। समटाइम वी जस्ट लुक एट हाउ मैनी टाइम द इनर मोस्ट लूप इज एग्जीक्यूटेड। जो आप फॉर लूप की गल करते हैं तो लूप या वाइल लूप की गल करते हैं किसी भी लूपिंग एलगोरिदम की, तो आप चेक करना है कि इनर मोस्ट लूप जी है, कई बार लूप के अंदर लूप होंगी है, वो अंदर फिर लूप होंगी है, तो जी इनर मोस्ट लूप है वह कितनी बारी एग्जीक्यूट होंगी है, जो आप नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम कड लीए दैन वी कैन फाइंड आउट द टाइम दैट इज टेकन बाय द एलगोरिदम। ठीक ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन। सो सिंपल फॉर्मूला है कि एफ एन दी वैल्यू, एफ एन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी एन इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी एंड एन नोड सच दैट, कि आ जिहड़ा फॉर्मूला है ये एफ एन दी वैल्यू हमेशा जी एन तो घट ही रहेगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से की मतलब बनता है कि एन दी वैल्यूज एन नोड तो जब तक वध ने, पर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन विच आर मोर दैन एन नोड, एफ एन की वैल्यू जी है हमेशा सी इंटू जी एन घट ही रहेगी। ये मतलब की हो गया कि जी एन इज एन अपर बाउंड ऑन एफ एन, कि जी एन फंक्शन है वो एफ एन फंक्शन ऊपर एक अपर लिमिट लगा रहे हैं, एफ एन विल नॉट परफॉर्म बैटर दैन जी एन इन एनी केस, वो तो घट घट तो होएगा पर उस तो वध करे भी परफॉर्म नहीं करेगा। सो नोट दैट एफ एन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी एन इज नोट द सेम एज जी एन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एफ एन, तो ये दोनों चीजा सेम नहीं है, जिहड़ा ये इक्वल साइन है इट इज नॉट इक्वल, इट इज सिंपल इज। ठीक है। सो एफ फंक्शन एफ एन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फंक्शन जी एन, इतने इक्वल नू इक्वल साइन नहीं समझना, यदा मतलब जो इदा लिखते हैं तो इदा लिखते हैं, ये दोनों चीजा आपस बराबर नहीं है। ठीक। तो इस तरह का लिखना ही नहीं है, तो मैथड ही गलत है, ओनली दिस मैथड इज करैक्ट टू राइट द नोटेशन। सो जो आप ग्राफिकली देखिए, हम ध्यान नाल देखो, मेरे को एक फंक्शन है जी एन आ वाला, जी आ लाइन चल रही है उपर उपर वाली है ना, तो जे मैं एन दी वैल्यूज एक तो लैके हजार तक इच भरा तो यह जी लाइन बनूगी कुछ मान लो। ठीक। उस तो बाद एक फंक्शन है एफ एन, वो जो मैं एन दी वैल्यूज भरदा तो एक एन नोड आंदा है, जो वैल्यूज एन नोड तो नीचे होंगे ने। ठीक है। जीरो तो लैके इतने जीरो वन टू थ्री फोर अप टू मान लो पाया आया, उस तो बाद जो वैल्यूज अगे आनगियां, एक खास वैल्यू है एन नोड, जो उस तो नीचे वैल्यूज होंगे ने, तो जो मेरा फंक्शन है कदे ओरी वैल्यू जी एन तो वध जाती है कदे ओरी वैल्यू जी एन तो घट जाती है। सो दैट मीनस एन नोड तो पहला फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वह वधिया भी हो सकता है जी एन तो, जी एन तो माड़ा भी हो सकता है, पर एक बार एन नोड तो क्रॉस कर गई एन की वैल्यू, उस तो बाद जो मेरा फंक्शन है वह वैल्यू की होगी जी एन तो हमेशा घट ही होएगी, उस तो वधेगी नहीं। ठीक। क्योंकि अपना फॉर्मूला है
एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एन. सो दैट मीन एफ एन की वैल्यू हमेशा जी एन सी इंटू जी एन तो घट होगी. यदा मतलब की है कि दिस इज द अपर बाउंड. एक ही चीज है, दिस इज द अपर बाउंड. अपर बाउंड की उपरली लिमिट लग गई कि मेरे फंक्शन की वैल्यू जी एन तो वधिया तो कदे भी होनी नहीं है. फिर फायदा की है अपन इतने का, इन्ह दोनों कंपेयर करन दा फायदा यह है कि जी एन वो फंक्शन है जिदी टाइम कंपलैक्सिटी अपन पता है. जी एन के फंक्शन है जिदी टाइम कंपलैक्सिटी अपन पता है. तो जे मेरा फंक्शन इस फंक्शन दे ऑफ द ऑर्डर निकलता है, इफ माई फंक्शन एफ एन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी एन, इहदा मतलब की है कि मेरा फंक्शन उसे तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह जी एन फंक्शन परफॉर्म करता है, पर उहदी परफॉर्मेंस हमेशा जी एन तो घट होगी. जिवें जिवें जी एन वधदा है उसे तरह ही मेरा फंक्शन भी वधेगा. तो इथों मेरा फंक्शन उसे तरह ही काम करेगा जिस तरह जी एन फंक्शन काम करता है. जिवें जिवें जी एन वधदा है, जदों मैं एन दी इनपुट वधाना हाँ, नंबर ऑफ साइज ऑफ इनपुट वधाने हैं, तो जिवें जिवें जी एन फंक्शन वधदा है उसे तरह ही मेरे फंक्शन ने वधना है विद कंडीशन के ये अपर बाउंड है. जी एन जिहड़ा अपर बाउंड है कि यह अपन मेरा फंक्शन उस तो वधिया नहीं परफॉर्म करेगा कदे भी. इट विल नॉट परफॉर्म बैटर दैन द फंक्शन जी एन, बट ये उसे तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह जी एन परफॉर्म कर रहा है. तो इट प्रोवाइड अस द आइडिया कि जिवें जिवें मैं एन की वैल्यू वधावगा तो मेरा फंक्शन किस तरह काम करेगा. ये उसे तरह काम करेगा जिस तरह जी एन फंक्शन काम करता पे. सो दिस इज वाई इट इज आइडिया, बिकॉज इट इज ओवर सिंपलीफिकेशन. आप बहुत सारिया चीजा छड़ती हैं, ठीक है, आप बहुत सारिया चीजा छड़ी, आप ओवर सिंपलीफिकेशन की है. तो ओवर सिंपलीफिकेशन करन दे नाल की होया कि जिहड़ा अपना फार्मूला बन के आ रहा है वह एक सिर्फ आइडिया ही दिंदा है, वो एक एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है. दैट कैन प्रोवाइड अस सम आइडिया अबाउट हाउ द एल्गोरिदम विल बिहेव व्हेन यू चेंज द साइज ऑफ इनपुट. ओके, सो दैट इज बिग ओ नोटेशन. सो इट मेजर एन एल्गोरिदम ग्रोथ रेट. ये सिर्फ ग्रोथ रेट लभदा है, होर कुछ नहीं करता. ग्रोथ रेट का मतलब की है कि किवें जिवें जिवें मेरी इनपुट वधेगी एंड द साइज इनक्रीज होएगा तो मेरा बिहेवियर, मेरे एलगोरिदम का बिहेवियर की होएगा, कि वो टाइम वधेगा या उसका टाइम घटेगा. तो दैट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ रेट. सो अपन ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं. सो हाउ फास्ट डज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एलगोरिदम टू एग्जीक्यूट इनक्रीजेज एज अ साइज ऑफ प्रॉब्लम इनक्रीजेज. ज्यों ज्यों अपन प्रॉब्लम की साइज इनक्रीज कर रहे हैं त्यों त्यों मेरे एग्जीक्यूशन टाइम के उपर की इफेक्ट पै रहा है, कि वो वध रहा है या कि वो घट रहा है. ये चीज अपन कितों पता लगेगी? बिग ओ नोटेशन. बिग ओ नोटेशन तो आप सिर्फ एक आइडिया लै सकते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं है. ध्यान रखना, याद रखना, ठीक. तो इट इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलगोरिदम इनडिपेंडेंट ऑफ द मशीन और कोड. यदा कोड के उपर जां मशीन दे उत्ते कोई इफेक्ट नहीं है. तुसी उस एलगोरिदम नूं भावें सीपीयू ते चला लो, भावें जीपीयू ते उत्ते चला लो, भावें किसी सर्वर मशीन ते चला लो, जां किसी पुराने सिस्टम ते चला लो, जिथे मर्जी चलाओ, उहदा जिहड़ा बिहेवियर है टाइम दा और इनपुट साइज दा, वह बिहेवियर सेम रहेगा. तो यह एलगोरिदम की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी कोड की जां किसी मशीन की, ठीक. ये हो सकता है कि वह एलगोरिदम, क्योंकि मशीन वन हो सकता है फास्ट चलती होवे, मशीन टू जी पुरानी होने करके स्लो चलती होगी, पर जो आप कंपेरिजन करना है आप सेम मशीन के उपर कंपेरिजन करना है कि एलगोरिदम वन जे मशीन वन के उत्ते एक सैकेंड लैंदा है तो एलगोरिदम टू मशीन वन के उपर जो दो सैकेंड लैंदा है तो आप एलगोरिदम वन और टू नू इको मशीन से कंपेयर कर रहे हैं. आप नहीं कह रहे कि एलगोरिदम वन मशीन वन से एक सैकेंड लैंदा है तो इतने तो दस सैकेंड लैंदा है तो इस करके माड़ी है. तो आप यह नहीं कह सकते कि एलगोरिदम वन माड़ा है, ठीक है, क्योंकि आप सेम चीज नू कंपेयर करी जा रहे हैं. ए वन इधर भी ए वन, मशीन नू चेंज करन नाल कोई फर्क नहीं पेगा. पहली मशीन ते जे आप एलगोरिदम एक बारी चलाने हैं पहली बारी तो एक सैकेंड लैंदा है, दूजी बारी चलाने भी वो एक सैकेंड लेगा, तीजी बारी चलाने भी वो एक सैकेंड लेगा. इसे तरह इधर है, जे एम टू मशीन से आप एलगोरिदम दस सैकेंड लैंदा है तो दूसरी बारी चलाने भी वो दस सैकेंड लेगा, तीसरी चलाने भी वो दस सैकेंड लेगा, एंड सो ऑन. सो वो इमटीरियल है चीजा, एम वन होवे जां एम टू होवे, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਵਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਏ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ. ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏ ਵਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵਨ ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਏ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂ ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ.
ठीक। ये इंडिपेंडेंट है मशीन के उपरों भी कोड के उपरों भी, तो सिर्फ डिपेंड करता है तुहाडे एलगोरिदम के उत्ते। तो जे तुसीं एलगोरिदम वधिया सोचोगे तां तुहाडा एलगोरिदम जिहड़ा है वो फास्ट चलेगा, जे तुसीं एलगोरिदम माड़ा सोचोगे तो तुहाडा एलगोरिदम स्लो चलेगा। तो उहदे नाल आपां बिग ओ नोटेशन दे नाल ये सारियां चीजां पता करदे हां। ठीक है, तो ये सारिया चीजा किस चीज से डिपेंड है? बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। क्योंकि आप फार्मूला कितों बनाया? आप फार्मूला बनाया फ्रीकुएंसी काउंट तो। फ्रीकुएंसी काउंट की सीगा कि वो एग्जीक्यूशन वो स्टेटमेंट कितनी बारी एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, फॉर सम एलगोरिदम इट इज आल्सो डाटा डिपेंडेंट बट मोस्टली इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट ही हुंदा है एंड इट इज मीनिंगफुल फॉर ओनली लार्ज प्रॉब्लम। मैं पहला भी गल की थी लार्ज प्रॉब्लम के उपर ही इन्हें डिपेंड उसके वास्ते ही मीनिंगफुल होना है। क्यों लार्ज प्रॉब्लम से मीनिंगफुल है? क्योंकि समालर प्रॉब्लम वास्ते आप ओवर सिंपलीफिकेशन करती तो समालर प्रॉब्लम के उपर एदा इफेक्ट ओना नहीं होएगा। तो सीधी जी आप अज के लैक्चर के कवर की गल सिंपल जी वो ये है कि आपने अपने एलगोरिदम के कुछ स्टेटमेंट्स होंगे ने जिहड़ियां कॉन्सटेंट टाइम लैंदियां ने, कुछ स्टेटमेंट होंगे ने जिहड़ियां लीनियर टाइम लैंदियां ने, कुछ स्टेटमेंट होंगे ने जिहड़ियां क्वाड्रेटिक टाइम लैंदियां ने, दैन पॉलीनोमियल टाइम भी हैगा। वो सारा कुछ किवें कैलकुलेट करना है? आपां फ्रीकुएंसी काउंट कैलकुलेट करांगे। फ्रीकुएंसी काउंट तो आपां एडिशन करन तो बाद उहदे विच ओवर सिंपलीफिकेशन करांगे। ओवर सिंपलीफिकेशन करन तो बाद अपने कोल इक फार्मूला बच जाएगा, उस फार्मूले दे बेस ते आपां दसांगे कि अपना जिहड़ा एलगोरिदम है वह किन्ना क वधिया जां किन्ना क माड़ा बनिया होया। तो बेसिकली आपां जिहड़ा फार्मूला बनदा है इहनूं कुछ स्टैंडर्ड बने हुए ने उहनां दे नाल कंपेयर करदे आं, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलियां दे नाल कंपेयर करदे आं जिन्हां दे बारे आपां नूं पता है। ठीक, सो वो आपां नैक्सट लैक्चर दे विच देखांगे कि उह कहिड़े कहिड़े स्टैंडर्ड फार्मूले हैगे है। सो